दोस्तों ये कहानी एक ऐसे पढ़ाकू लड़के की है जो कि पढ़ने में तो हीरो है लेकिन लड़की बाजी में जीरो है। लेकिन बंदे की किस्मत इतनी मस्त होती है कि इसे बंदी नहीं सीधे भटाभट स्टार मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं कब कब और कहां कहां संभोग होता है। अगर चैनल पर नए हो तो घंटा बजा के ही जाना। कहानी की शुरुआत में हम मैथ्यू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि पढ़ने में तो बहुत अच्छा है लेकिन मैथ्यू की कोई भी बंदी नहीं होती, इसीलिए वो दूसरों की बंदियां ताड़ कर चिल्ले मारता है। ये मैथ्यू के स्कूल का आखिरी साल है और उसके दो ड्रीम्स है, पहला एक मस्त लड़की पटाना और दूसरा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। लेकिन मैथ्यू के पास इतना रोकड़ा यानी पैसा नहीं है कि वो वहाँ के फीस भर पाए, इसीलिए वो एक कॉम्पिटिशन में भाग लेता है। अगर वो उसे जीत लेगा तो वो अपने कॉलेज की फीस को भर पाएगा। उसी रात मैथ्यू अपने घर का कूड़ा कबाड़ा बाहर फेंकने जाता है कि तभी उसे एक इतनी मस्त लौंडिया दिखती है जिसे देखकर वो उस पर लट्टू हो जाता है। इसके बाद मैथ्यू अपने दोस्त से बात कर रहा होता है कि तभी उसकी नजर सामने वाले घर में डैनियल के ऊपर जाती है जो कि अपने कपड़े चेंज कर रही थी, जिसे देखकर मैथ्यू का मुंह खुला का खुला रह जाता है, ले भैया ओम फो। लेकिन तभी डैनियल उसे देख लेती है कि मैथ्यू मुझे देख रहा है और वो सीधे गुस्से में मैथ्यू के घर आ जाती है। तभी मैथ्यू के पापा की आवाज आती है, गधे के बाल नीचे आ। ये सुनकर मैथ्यू की फटके 64 हो जाती है। मैथ्यू जब डैनियल को देखता है तो उसे लगता है कि इस गधी की बच्ची ने मेरे बाप को सब कुछ बता दिया। कि तभी मैथ्यू के पापा बोलते हैं, बेटा ये हमारी नई पड़ोसन है और इसे अपने कजन के घर जाना है, तुम इसके साथ चले जाओ। जिसे सुनकर मैथ्यू की सांस में सांस आती है और वो दोनों निकल जाते हैं। तभी रास्ते में डैनियल कार को रोक कर मैथ्यू से कहती है, हाँ बे चिकने, तुझे मेरे बर्फ के गोले कैसे लगे, बड़े उछल उछल के देख रहा था तू। तो मैथ्यू कहता है, तेरी कसम एक भी नहीं देखा। तो डैनियल कहती है, तूने मुझे वैसा देखा था, अब मैं भी तुझे देखूंगी, चल जल्दी से अपने कपड़े उतार। जब वो अपने कपड़े उतार देता है तो डैनियल उस पर बहुत हंसती है और उसके कपड़े लेके भाग जाती है। लेकिन डैनियल उससे मजाक कर रही थी और ये सब होने के बाद वो दोनों तगड़े यार बन जाते हैं। अगले दिन डैनियल मैथ्यू के स्कूल के बाहर आती है और उसको वहां से बुला के अपने साथ ले जाती है जहां ये दोनों मजे करते हैं। इसके बाद रात में ये दोनों पूल में जाकर नहाने भी लगते हैं कि तभी मैथ्यू को पता चलता है कि ये पूल और घर उसके प्रिंसिपल का है, जिससे वो दोनों वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। नहाने के बाद ये दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहां डैनियल को देखकर मैथ्यू के सारे दोस्त उस पर फिदा हो जाते हैं, जहां वो मैथ्यू का पत्ता काट कर खुद अपना नंबर बढ़ाने लगते हैं, जिसे देखकर मैथ्यू की जल जाती है और पार्टी में ही वो सबके सामने डैनियल को प्रपोज कर देता है, यानी डैनियल अब मैथ्यू की बंदी बन जाती है। अगले दिन मैथ्यू खुश होकर स्कूल आता है कि तभी उसका एक दोस्त मैथ्यू के पास आता है जो उसे बताता है, भाई तेरी बंदी नहीं बल्कि पी स्टार है। जिसे सुनकर मैथ्यू का दिल टूट जाता है और गुस्से में वो अपने घर जाने लगता है कि तभी उसका दोस्त उसके पास आकर बोलता है, अबे गुस्सा क्यों हो रहा है, तेरी तो मौज आ गई, डैनियल पी स्टार है तो क्या हुआ, अब तो तू उसके साथ जब मर्जी भटाभट कर सकता है। ये सुनकर मैथ्यू डायरेक्ट डैनियल के पास जाता है जो उससे कहता है, आओ चलो हम घूम के आते हैं, जहां वो दोनों निकल जाते हैं। तभी मैथ्यू डैनियल को एक होटल में लाता है जहां वो समझ जाती है कि ये क्या करने वाला है और वो अपनी इलायची में बिना लौंग लिए बाहर आ जाती है और इमोशनल होके बोलती है, मैं ये सब काम पहले करती थी, माना मैं पहले पी स्टार थी लेकिन अब मैंने ये सब छोड़ दिया था, मैंने सोचा था कि तुम एक अच्छे लड़के हो लेकिन तुम भी औरों की तरह निकले। जहां डैनियल मैथ्यू से ब्रेकअप करके चली जाती है जिससे हमारे मैथ्यू का दिल टूट जाता है, इसीलिए वो सुबह सुबह डैनियल के घर पहुंच जाता है और वो उसको सॉरी कहता है। कि तभी वो उस घर में एक आदमी को देखता है जिसका नाम कैली होता है। जहां मैथ्यू बोलता है, भाई तू कौन है और तुम दोनों कैसे मिले। तो कैली कहता है, मैं एक पी प्रोड्यूसर हूँ और मैं तेरी बंदी का एक्स हूँ। अगले दिन मैथ्यू स्कूल की छुट्टी में देखता है कि कैली स्कूल की कुछ लड़कियों से मजे ले रहा है। जब कैली मैथ्यू को देखता है तो वो मैथ्यू की उन लड़कियों के सामने काफी तारीफ करने लगता है जिससे वो सभी उससे इम्प्रेस होती है। इसके बाद मैथ्यू कैली के साथ बैंक जाता है जहाँ मैथ्यू बैंक के एम्प्लॉय को बताता है कि कैली एक स्टूडेंट एडवाइजर है। वहीं कैली उस पर लाइन मारने लगता है। दूसरी तरफ डैनियल को काफी ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था क्योंकि उसे लगता है कि वो कभी नहीं बदल सकती, इसीलिए वो कैली के साथ लेस बेगस में मुजरा करने चली जाती है। जब मैथ्यू को इसके बारे में पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और मैथ्यू अपने दोस्तों के साथ डैनियल को ढूंढते लेस बेगस में पहुंच जाता है जहां वो डैनियल को मुजरा करते हुए देखता है, जिसे बहुत बुरा लगता है और वो डैनियल को समझाता है कि तुम इन सब काम के लिए पैदा नहीं हुई हो। ये सुनकर कैली की जल जाती है और वो मैथ्यू को अपने साथ ले जाता है और उसे धक्का देकर मार
मारने की धमकी देता है। तो मैथ्यू कहता है, भाई तेरे क्या चुल मच रही है। तो कैली कहता है, तू हमारे बीच में मत आ, अगर डैनियल मुजरा नहीं करेगी तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा। कैली की धमकी के बाद भी मैथ्यू डैनियल के पास जाता है और फिर से वो उसे समझाता है कि तुम इस काम के लिए नहीं बनी हो। अगले दिन मैथ्यू बैठा होता है कि तभी डैनियल वहां पर आ जाती है। वो उसे बताती है कि मैंने वो सब काम छोड़ दिया है, जिससे वो बहुत खुश होता है। इसके बाद डैनियल मैथ्यू के साथ स्कूल तक जाती है, जहां मैथ्यू डैनियल को स्कूल के प्रोम में आने को बोलता है, क्योंकि आज उसका बहुत स्पेशल दिन था। अगर आज वो स्कूल में सही से स्पीच देकर जीत जाता है तो इसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जिससे वो अपने कॉलेज यानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएगा। लेकिन तभी क्लास के दौरान कैली आता है और वो मैथ्यू को वहां से उठा ले जाता है, क्योंकि उसने डैनियल को लैस वेगास से भगाकर कैली का काफी ज्यादा नुकसान करवा दिया था, जहां कैली मैथ्यू को ड्रग्स देकर बहुत मारता है और वो उसे हीबो के घर से उसकी ट्रॉफी चुराने को बोलता है। इसके बाद जब वो ट्रॉफी चुरा रहा होता है तभी कैली पुलिस को फोन कर देता है, जिससे पुलिस मैथ्यू के पीछे पड़ जाती है। लेकिन सही मौके पर मैथ्यू के दोस्त आकर उसे बचा लेते हैं, जिसके बाद मैथ्यू और डैनियल स्कूल में स्पीच देने जाते हैं, जहां मैथ्यू पूरे नशे में भंड होता है, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरीके से स्पीच दे देता है, मगर वो उस कंपटीशन में जीत नहीं पाता, जिससे मैथ्यू को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद मैथ्यू अपने बैंक में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि जो 25,000 रुपए का फंड उसने कंबोडियन स्टूडेंट के लिए जमा किया था, वो कैली स्टूडेंट एडवाइजर बन के ले गया। पैसों की हेराफेरी से मैथ्यू का दिमाग घूम जाता है, जहां वो पागल सा हो जाता है। ये बात घर जाकर मैथ्यू डैनियल और अपने दोस्तों को बताता है, जहां वो सभी कैली को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। अगले ही दिन मैथ्यू और डैनियल हीबो के पास आते हैं। दरअसल हीबो भी एक पी प्रोड्यूसर, जहां मैथ्यू हीबो की ट्रॉफी वापस दे देता है और उसे पूरी स्टोरी बताता है, जहां मैथ्यू हीबो से बोलता है, अगर आप मुझे $25,000 देंगे तो हम आपको एक ऐसी पी स्टार मूवी बना के देंगे जो पूरी दुनिया में धूम मचा देगी। मैथ्यू की बात सुनकर हीबो भी उसकी बात मान जाता है। इसके बाद डैनियल अपने दो दोस्तों से वीडियो बनाने की हेल्प मांगती है और अगले ही दिन ये अपना काम चालू कर देते हैं। उसी रात ये सभी स्कूल की प्रोम पार्टी में जाते हैं, जहां इन सबको देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी वहां पर मैथ्यू अपने क्लास के लड़कों से बोलता है कि ये जो तुम दो लड़कियों को देख रहे हो वो पी स्टार हैं, जहां मैथ्यू कहता है, क्या तुम भी इनके साथ काम करोगे, जिस पे वो लोग मान जाते हैं और वो सारे शूट स्टार्ट कर देते हैं, जहां उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वीडियो बनने के बाद मैथ्यू को काफी डर लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके सारे शूट उसके क्लास टीचर ने देख लिए हैं, लेकिन वो मैथ्यू का भ्रम होता है। वीडियो बनने के बाद जब मैथ्यू अपने घर पर जा रहा था, तभी उसका दोस्त की कॉल आती है, जहां वो बोलता है, भाई हमारी वीडियो की सीडी किसी ने चोरी कर ली है, और चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि कैली है। जब मैथ्यू अपने घर जाता है तो वहां उसे कैली मिलता है। वो मैथ्यू को अकेले कमरे में ले जाके उसे धमकी देता है, अगर तुमने इस वीडियो की कमाई का 50% हिस्सा मुझे नहीं दिया तो मैं ये वीडियो तुम्हारे प्रिंसिपल और पेरेंट्स को दिखा दूंगा। मैथ्यू के मना करने पर कैली उस वीडियो को सबको दिखा देता है, लेकिन उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था बल्कि सेक्स एजुकेशन के बारे में था, जिसे देखने के बाद सभी लोग मैथ्यू की काफी तारीफ करते हैं। इसके बाद इस वीडियो को रिलीज किया जाता है और किस्मत से ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है। देखते ही देखते ये वीडियो नंबर 1 पैसा कमाने वाली वीडियो बन जाती है, और कमाए हुए पैसों से मैथ्यू अपने यूनिवर्सिटी की फीस भी भर देता है और वो उस कंबोडियन स्टूडेंट को अमेरिका में बुला के उसका सारा खर्चा उठाता है। अब हमारे भाई ने एक BMW ले ली थी, जिससे वो कैली को एक गिफ्ट देने जाता है, जिससे वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और मैथ्यू अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है और डैनियल और मैथ्यू एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी का नाम है द गर्ल नेक्स्ट डोर, जो कि साल 2004 में रिलीज हुई थी। अगर आपको मुझसे इंस्टा पर बात करनी हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो। तो आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।